Welcome everyone. Today we are going to talk about A Passage to India by E.M. Foster. So, first of all, let's talk about the life of the writer Edward Morgan Foster. His Edward Morgan Foster, or in short, E.M. Foster. Edward Morgan Foster, he was born in 1879 and he died in 1970. And he was an english fiction writer essayist and librettist many of his novels examine class difference and hypocrisy including a room with a view in 1908 howard's end 1910 and a Passage to india 1924 par jo unke work ki jo feel hai, uh, theme hai, we can say so theme class difference and hypocrisy ye do थीम उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है सो यू कैन कीप इन माइंड जब भी हम किसी राइटर को एनालिसिस कर रहे होते हैं एनालाइज कर रहे होते हैं तो उस एनालिसिस में हमें उस राइटर का वे ऑफ राइटिंग और उसका मूड और वो कब लिख रहे हैं ये तीन चीज़ें अगर हमें पता है जैसे कि उसका जो राइटर का टाइम पीरियड जो था वो कब का रहा है वो वेदर ही इज़ रोमांटिक पीरियड राइटर विक्टोरियन पीरियड मॉडर्न पीरियड तो हमें आइडिया रहता है कि ये जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं या हमें कोई लाइंस दी जाती है तो हम थोड़ा सा पता कर सकते हैं दूसरी चीज़ कि थीम क्या है उस वर्क की और तीसरी चीज़ है कि राइटर का जो मूड है उस टाइम वो किस तरह का है सो वी कैन कॉल हेज़ दिस वन लास्ट वन Uh, passage to india 1924 it was his magnum opus copy Buddy success on the last brought him his greatest success he was nominated for the nobel prize literature in 16 separate years Sola salon Ko nobel prize nominate nominated gaya his novels list is here where angels fear to tread 1905 the longest journey अ रूम विथ अ व्यू हाउ वुड एंड अ पेसिस टू इंडिया मॉरिस एंड दीज आर दी वर्क्स इम्पॉर्टेंट वर्कस और वी कैन से नॉवल बाय द राइटर आई एम फॉरिस्टर हीट्स क्रिएट अ शोर्ट कट फॉर दिस एज वेल इसके लिए अगर हम मैं कहूँ कि इंस्टेंट मैंने इससे पहले इसके लिए बनाया नहीं बट अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्या कीजिए कि जब भी नॉवल्स या राइट किसी राइटर के जो वर्क्स हैं उनको आप देखेंगे और उससे एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप लोग यहाँ से किसी एक चीज़ को ले सकते हैं कि ये तो हो गया आपका रूम ओके सो एक रूम बना लीजिए कि ये आपका क्या है रूम है और यहाँ से रूम विद, विद विद व्यू की बात हो रही है ठीक है कि इस रूम से एक व्यू दिखता है दूर तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी चीज़ें और एक जो रास्ता है इस तरह से आप लोग कह सकते हैं तो लॉन्गेस्ट जर्नी इस रास्ते के लिए लॉन्गेस्ट जर्नी और ये एक ऐसा रूम है जहाँ पे कि जो एंजल्स हैं वो दे फियर टू ट्रीड मतलब वो वहाँ जाने से डरते हैं ठीक है थीके? या सिंपली आप कह सकते हैं कि एक एंजल यहाँ पर है इस तरह से एक एंजल यहाँ से है वो व्यू देख रही हैं बाहर का और यहाँ पे जो हावर्ड्स एंड और जब इस रास्ते का एंड होता है इस जर्नी का एंड होता है तो यहाँ पे क्या है हावर्ड है यूनिवर्सिटी है हावर्ड यूनिवर्सिटी ओके इस तरह से और अगर आप इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप एक पैसेज टाइप बना लीजिए कि यहाँ से पैसेज टू इंडिया अगर आप ये क्या है क्योंकि यहाँ पे एंजल्स हैं और इन्होंने इसे मैजिकल रूम की तरह बनाया है तो अगर आप यहाँ से पैसेज देखेंगे यहाँ से अगर इधर को आएंगे तो आप पूरे इंडिया में पहुँच जाएंगे इस तरह का आप शॉर्टकट बना सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि अ पैसिस टू इंडिया जो है 1924 मैं इसे कभी नहीं भूलता उसका एक रीज़न है कि वैन आई वॉज प्रपेयरिंग फॉर माई एग्जाम जब मैं नाइनटीन सॉरी इट वॉज़ थर्टीन राइट टू थाउजेंड थर्टीन सो टू थाउजेंड थर्टीन में मैंने क्या किया था कि uh, जब मैं उस टाइम में नवोदय में था तो नवोदय में मेरा एक सेपरेट किचन था किचन के बाहर मैंने लिखा हुआ था पैसेज टू इंडिया नाइनटीन ट्वेंटी फ़ोर ओके तो पैसेज टू इंडिया काफ़ी दिन तक पैसेज टू तो इंडिया लिखा हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी फ़ोर अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो पैसेज टू तो इंडिया मिट गया था क्योंकि मैंने उसे पेन से लिखा हुआ था लेकिन वहाँ पर ट्वेंटी फ़ोर रह गया था नाइनटीन ट्वेंटी फ़ोर रह गया था तो वो मुझे इस तरह से याद हो गया तो आप भी कहीं पर यू नो एक, एक स्टिकर बनाइए और स्टिकर से उसे कहीं पे स्टिक कर दीजिए दरवाजे पे कहीं पे भी कर सकते हो आई यूजुअली डू इट सेल फोन के पीछे आप लोग एक स्टिकर डाल सकते हैं रोज़ का एक अब आप देखिए कि आपके पास में वन मंथ में आप अगर आप डेली एक स्टिकर बना के डालते हैं तो थर्टी डेज़ में आपको क्या मिल जाए थर्टी डेज़ में आपके थर्टी जो ईयर्स हो जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे जैसे आप मॉर्निंग में डाल दीजिए उस स्टिकर को शाम को उसको निकाल दीजिए तो दिन भर आपको सेल फोन ऐसी चीज़ें हाथ पे ही रहता है बार बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी वो चीज़ थर्टी डेज़ में थर्टी हो जाएंगे अगर आप इसे कॉन्टीअस कर पाए तो थ्री सिक्सटी फाइव एक साल में आपको थ्री सिक्सटी फाइव ईयर्स याद हो जाएंगे बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ठीक है इतने याद नहीं होती इतनी जो ईयर्स हैं होपफुली इट विल हेल्प यू तो चलते हैं आगे अपेसेस टू इंडिया अपेसेस टू इंडिया इज़ नाइनटीन ट्वेंटी फोर नावल बाई इंग्लिश राइटर ए एम फर्स्टर तो 1925 में, 24 में ये नॉवल लिखी गई थी ये फर्स्ट सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन नाइनटीन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कौन कौन से वर्क हैं तो उनमें से एक पैसेज टू इंडिया भी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस नॉवल इज द नावल इज बेस्ड ऑन फर्स्टर्स एक्सपीरियंस इन इंडिया डिराइविंग द टाइटल फ्रॉम दर्ल्ट विट मीनस एटीन सेवेंटीज़ पोएम पैसेज टू इंडिया इन लीवस ऑफ ग्रास तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर पैसेज टू इंडिया नॉवल की बात आ रही है तो एम फॉस्टर है आंसर अगर लेकिन अगर पोएम की बात कर रहे हैं तो वॉल्ट विटमेन ने इसे एटीन सेवेंटी में पॉइम लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास उनका वर्क था और कलेक्शन ऑफ पोइम पोइम्स था दोरी रिवॉल्व्स अराउंड फोर कैरेक्टर्स यहाँ पर चार कैरेक्टर जो हैं डॉक्टर अजीज ब्रिटिश ब्रिटिश फ्रेंड मिसटर सीरील फील्डिंग एंड मिसिज मोर एंड मिस एडेला क्विस्टेड तो ये जो हैं ये आपके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं तो अभी तक हम जो हैं फाइव थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू विच आर इम्पोर्टेंट नाव लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टर लिस्ट डॉक्टर अजीज़ आ यंग मुस्लिम इंडियन फिजिशियन हु वर्कस एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल इन चंद्रापोर विच इज़ प्रोबेबली बेस्ड ऑन सिटी ऑफ बांकीपुर सबब ऑफ पटना इन स्टेट ऑफ बिहार तो एक डॉक्टर अजीज़ हैं जो कहाँ पर पटना में आ, काम करते हैं ये बांकीपुर में हैं और ये है क्या एक फ़िजिशियन है और ब्रिटिश हॉस्पिटल में काम करते हैं सीरियल फील्डिंग सीरियल फील्डिंग अ फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड अनमेरिड ब्रिटिश हेड मास्टर ऑफ स्मॉल गवर्नमेंट रन कॉलेज फॉर इंडियंस सीरियल फील्डिंग क्या है एक हेड मास्टर हैं स्कूल में फील्डिंग्स लॉजिकल वेस्टर्न माइंड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दी मर्डर ऑन मिस्ट्री ऑफ इंडिया बट ही इज़ हाईली टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टूअर्ड्स इंडियंस फील्डिंग जो है वो काफ़ी इंडिया के बारे में चीज़ों को कॉम्प्रीहड नहीं कर पाते हैं बट ही इज़ रिस्पेक्टफुल टूअर्ड्स इंडियंस ही बिफरेंट डॉक्टर अजीज और डॉक्टर अजीज से उनकी फ्रेंडशिप होती है बट कल्चरल एंड रेशियल डिफ्रेंसेज एंड पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग सेपरेट दैन लेकिन उनके बीच में जो पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रेशियल डिफरेंसेस है, होते हैं कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ब्रिटिशर्स के और इंडियन के उसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं नेक्स्ट इज एडेला क्वेस्टेड अ यंग ब्रिटिश स्कूल मिस्ट्रेस हु इज़ विजिटिंग इंडिया विद द विज इंटेंशन ऑफ मैरिंग रोनी है सो जो एडेला क्वेस्टेड है ये स्कूल मिस्ट्रेस हैं इंटेलिजेंट ब्रेव ऑनेस्ट बट स्लाइटली प्रोडिश शी इज़ वॉट फील्डिंग कॉल्स अ प्रे शी अराइव्स विद इंटेंशन ऑफ सीइंग द रियल इंडिया और वो यहाँ पर स्कूल मिस्ट्रेस है रियल इंडिया को जानना चाहती हैं अडेला क्वेश्चड तो अब इससे भी आप ला याद रख सकते हैं कि क्वेस्ट क्वेस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाना बट आफ्टर अ फ्राइटनिंग ट्रिप टू मारावार केव्स शी फॉल्सली अक्यूज अजीज ऑफ सेक्सुअली असल्टिंग हाँ तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जो अडेला क्वेस्टेड है वो मारावार केव्स में जाती है और वहाँ पर वो फॉल्स uh, अक्यूज करती है किसको अजीज़ को डॉक्टर अजीज़ को सेक्सुअली असॉल्ट के लिए मिसिज मोर द एल्डरली एल्डरलीटफुल मदर ऑफ़ रोनी हेस्लॉप ये जो है ये रोनी स्लॉप की मदर है शी इज विजिटिंग चंद्रपुर टू वर् सी हर सन्स एंगेजमेंट टू अडिलको क्वेस्टेड और जो रोनी हेस्लॉप है उसकी इंगेजमेंट हो रही है एडला कोस्टेट से सो उसकी मदर जो है मिसेस मोर वहाँ पर आती है शी रिस्पेक्ट्स इंडियन एंड देयर कस्टम्स एंड द इंडियंस इन द नॉल हर मोर देन दे डू एनी अदर बेटर तो यहाँ पर क्या है कि वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है इंडियन और इंडियन कस्टम्स की रोनी हस्लॉब द ब्रिटिश सिटी मैजस्ट्रेट ऑफ चंद्रापुर यहाँ पे ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट है रोनी हस्लॉब दो नॉट अ बैड मैन ही शेयर्स मनी ऑफ हिज कलीग्स डेरेगेटरी व्यूज़ टूवर्ड्स इंडियन वैसे तो एक बुरा इंसान नहीं है लेकिन डेरेगेटरी व्यूज़ वो देता है इंडियन के लिए लेकिन उसकी मदर जो है वो इंडियन की रिस्पेक्ट करती है रिस्पेक्ट करती है प्रोफेसर नारायण गॉडबॉले एंडली कर्टियस कंटम्परेटिव ब्राह्मिन हु व्यूज द वर्ल्ड विद इक्विनिटी ही रिमेंस टोटली आलूफ फ्राम दी novels conflicts he remains a mystery to the end when he rehabilitates the friendship of fielding and aziz mr turton the british city collector ye turton jo hai, pe city collector hai. he does not hate indians for that would be to negate his life's work mrs turton a turton ki wife hai. and uh, the thing is openly racist jo mrs turton okay okay and snobbish hai. मेजर कैलेंडर ये क्या है आपका ब्रिटिश हेड डॉक्टर है अजीज सुपीरियर एट द हॉस्पिटल और ये ब्रिटिश हेड डॉक्टर है मिस्टर मैकब्राइड द ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन चंद्रपुर ये आपका ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन मिस डैरिक एन इंग्लिश वुमेन एम्प्लॉयड बाई हिंदू रॉयल फैमिली ये मिस चेरिक जो है ये इंग्लिश वूमेन है ये हिंदू रॉयल फैमिली ने इसको एम्प्लॉड किया है एंड शी फ्रिक्वेंटली बोज देयर कार एंड डज नॉट ट्रबल टू आस्क दिया परमिशन और रिटर्न इट इन टाइम नेक्स्ट इज़ नवाब बहादुर द चीफ इंडियन जेंटलमैन इन चंद्रापुर अ मुस्लिम नवाब बहादुर दिस इज़ रिपीटड हमीदुल्ला अजीज़ के अंकल हैं अजीज इज अंकल एंड फ्रेंड अमृत राव प्रमिनेंट इंडियन लॉयर फ्रॉम कैलकाटा कॉल्ड टू डिफेंड अजीज जो अजीज का केस लड़ता है वो अमृत राव है मोहम्मद अली मुस्लिम इंडियन बैरिस्टर हु ओपनली हेट्स द ब्रिटिश एंड डॉक्टर पन्ना लाल अ लो बॉन हिंदू डॉक्टर एंड अजीज राइवल एट दॉस्पिटल राल्फ मोर अ टिव and discerning youth, the second son of mrs moore and stella moore mrs moore's daughter and later fielding's beautiful younger wife now let's go through the summary a young british schoolmistress adela Quisted and her elderly friend mrs moore visit the fictional city of chandrapur british india pe, kya hai ki, ek, uh, adela और वो अपनी एल्डरली फ्रेंड मिसेस मूर के साथ में एक फ़िक्शनल सिटी में जाती है चंद्रापुर जो है वो ब्रिटिश इंडिया में है ये जो है ये आपका एक फिक्शनल सिटी है इट्स नॉट अ रियल सिटी एंड एडेला इज़ टू डिसाइड इफ शी वांट्स टू मैरी मिसेस मिसिज़ मोरसन रोनी द सिटी मैजिस्ट्रेट और एडेला को अभी डिसाइड करना है कि क्या वो मिसेस मूर के बेटे रॉनी हिस्साप से शादी करेगी वो सिटी का मजिस्ट्रेट है जैसा कि हमने ऊपर देखा था एंड मीन वाइल डॉक्टर अजीब अजीज यंग इंडियन मुस्लिम फिजिशियन इज डाइनिंग विद टू ऑफ हिज इंडियन फ्रेंड्स एंड कन्वर्जिंग अबाउट वेदर इट इज़ पॉसिबल टू बी फ्रेंड ऑफ़ एन इंग्लिश मैन अब यहाँ पर डॉक्टर अजीज जो है वो बात कर रहे हैं ये मुस्लिम फिजिशियन है हम ऊपर देख चुके हैं और एडेला कोस्टेड उस पर आरोप भी लगाती है बाद में इस डाइनिंग विद टू ऑफिस इंडियन फ्रेंड वो अपने दो दोस्तों के साथ में बात कर रहा है और बात चल रही है कि क्या हम किसी इंग्लिश मैन या ब्रिटिशर के फ्रेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द मील समन अराइव्स फ्राम मेजर कॉलिंडर अजीज़ अनप्लीज एंड सुपीरियर एट द हॉस्पिटल यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो बात कर रहे थे खाना खा रहे थे तभी एक समन आ जाता है अजीज का जो सुपीरियर uh, है हॉस्पिटल में उसके द्वारा भेजा जाता है अजीज़ हिस्टेंस टू कॉल इंडर्स बैंगलोर टू एज ऑर्डर्ड बट इज़ डिलेड बाय अ फ्लैक्ट्रायर एंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ टोंगअ एंड द मेजर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट इन अ हब अब यहाँ पे क्या होता है कि अजीज जब अपने सुपीरियर के यहाँ जा रहा होता है तो उसको उसका जो टायर है वो फ्लैट uh, हो जाता है एंड वो मुश्किल से पहुंच पाता है वहाँ पे डिसकन्सोलेट अजीज वॉक्स डाउन द रोड टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन वन ही सीज़ हिज फेवरेट मॉस्क ही एंटर्स ऑन इम्पल्स ही सीज अ स्ट्रेंज इंग्लिश वुमेन देयर एंड एनियल्स एट हवर नॉट टू प्रोफेन हिज सेक्रेट प्लेस यहाँ पर क्या होता है कि अजीज जल्दी से रेलवे स्टेशन की तरफ चलता है और अचानक से उसे अपनी फेवरेट मॉस्क मस्जिद दिखती है और वहाँ पर चला जाता है ही सीज़ स्ट्रेंज इंग्लिश वुमेन वहाँ पे वो उसे एक इंग्लिश वुमेन दिखती है मस्जिद में वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि इस पवित्र जगह को उसे ख़राब नहीं करना चाहिए द वमेन मिसिज मोर वो कौन है मिसिज मोर है हैज़ रिस्पेक्ट फॉर नेटिव कस्टम्स और उसको वो रिस्पेक्ट करती है नेटिव कस्टम्स को रीति रिवाज को दिस डिसाम अजीज़ एंड द टू चैट एंड पार्ट एज फ्रेंड और वहाँ पर क्या होते हैं कि दोनों के दोनों के बीच में फिर बात होती है और दोनों के दोनों फ्रेंड एज अ फ्रेंड फिर लास्ट में एक दूसरे को गुड बाय करके चले जाते हैं मिसिज़ मूर रिटर्न टू द ब्रिटिश जेंटलमैन क्लब डाउन द रोड एंड रिलेट्स हर एक्सपीरियंस एट द मॉस्क वहाँ पे जो मिसिज मूर है वो अपने ब्रिटिश जेंटलमैन क्लब में आती है और अपने एक्सपीरियंस को जो कि उसके साथ में मॉस्क में होता अजीज के साथ उसे लोगों से शेयर करती है रोनी हेस्लॉप हर्सन इनिशियली थिंक्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंड एन इंग्लिश मैन एंड बिकम्स इंडिग्नेंट वैन ही लर्नस दफेक्ट अडेला हावएर इज इंट्रिक्ड जब रोनी हेस्लॉप को ये बात पता चलती है तो ही बिकम्स इंडिग्नेंट वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है इंडिग्नेंट मीन्स एग्री ही गेट्स एंग्री एंड अडेला हावेवर इज इंट्रिक्ट और जो अडेला है वो इंट्रिक्ड फील करती है आ, एक तरह से वो इस बात के बारे में जानना चाहती है एंड शी बिकम्स एंट्री वी कैन से उसके अंदर की जाग जाती है पार्टी बिकॉज द न्यू कमर्स हैड डिजायर टू सी इंडियंस मिस्टर टर्टन द सिटी टैक्स कलेक्टर इन न्यूमरस इंडियन जेंटलमैन टू अ पार्टी एट हिज हाउस द पार्टी टर्न्स आउट टू बी ऑकवर्ड इवेंट ड्यू टू द इंडियंस टिमिडिटी एंड द दिटर्स बायोट्री बट एडेला मीट्सरियल फील्डिंग प्रिंसिपल ऑफ चंद्रापोरस गवर्नमेंट रन कॉलेज फॉर इंडियन अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्रिज पार्टी होती है अब जो न्यू कमर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं ब्रिटेन से आए हुए हैं दे वॉन्ट टू मीट इंडियंस अब वो इंडियंस को मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मिसटर टर्टन है ये एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है और उसमें इंडियंस को इन्वाइट किया जाता है और जब वहाँ पे इंडियंस आते हैं तो ये थोड़ी सी पार्टी जो होती है वो काफ़ी ऑकवर्ड इवेंट बन जाता है आ, क्योंकि इंडियंस टिमिडली बिहेव करते हैं और ब्रिटेंस जो हैं बाइगेट्री रिमार्क्स भी करते हैं वहाँ पर सो एडेला मीट सीरियल फील्डिंग वो सीरियल फील्डिंग से मिलती है वहाँ पर और वो प्रिंसिपल है एक चंद्रपुर गवर्मेंट सडन कॉलेज का जो कि इंडियंस के लिए बनाया गया है तो बेसिकली दो चीज़ें हैं अभी तक कि हमें एक तो स्टोरी को डिवेलप होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से स्टोरी डिवेलप हो रही है और अब हमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा फील्डिंग इन्वाइट्स एडेला एंड मिसेस मोर टू अ टी पार्टी विद हिम एंड अ हिंदू ब्राह्मण प्रोफेसर नेम्ड नारायण गौट बोले और जो फील्डिंग है वो एडेला को अपने यहाँ इन्वाइट करता है और हिंदू ब्राह्मण एक प्रोफेसर है उनका नाम है नारायण गौट बोले उन्हें भी इन्वाइट किया जाता है एट एडेलास रिक्वेस्ट ही एक्सटेंड्स हिज इन्विटेशन टू डॉक्टर अजीज और जो एडेला रिक्वेस्ट करती है कि जो डॉक्टर अजीज है उनको भी वहाँ पर इन्वाइट किया जाए फील्डिंग्स टी पार्टी और फील्डिंग की टी पार्टी भी क्या होता है एट फील्डिंग्स टी पार्टी एवरी वन हैज़ अ गुड टाइम कन्वर्जिंग अबाउट इंडिया एंड फील्डिंग एंड अजीज बिकम फ्रेंड्स और इस पार्टी में जो फील्डिंग और अजीज़ हैं वो दोनों के दोनों फ्रेंड बन जाते हैं उस टी पार्टी में इंडिया के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है अजीज़ प्रामिसज टू टेक मिसेस मोर एंड एडेला टू सी द बार केव्स आ डिटेंट केव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अजीज जो है वो मिसेस मूर को और एडेला को प्रोमिस करता है कि वो मारा केव्स को दिखाएगा उनको रॉनी हेसल ऑफ एंड फाइंड एडेला अन अनकम्पनाइड बाय डॉक्टर अजीज़ एंड प्रोफेसर गॉड बोले रूडली ब्रेक्स ऑफ द पार्टी वहाँ पे रॉनी हेजला आता है और वो देखता है कि जो एडेला है वो डॉक्टर uh, अजीज और प्रोफेसर गॉड बोले के साथ अकेली है तो जो पार्टी है वो बड़ी रूडली ख़त्म होती है अजीज़ मिस्टेकनली बिलीव्स दैट देर वुमेन आर ऑफेंडेड दैट ही हैज़ नॉट फॉलोअ थ्रू ऑन एज प्रॉमिस एंड अरेज इज आउटिंग टू द केस एट ग्रेट एक्सपेंस टू हिमसेल्फ अभजीत जो है वो ये सोचता है कि जो वुमेन थी वो इसलिए ऑफेंड हुई कि उसने अपना जो प्रॉमिस था वो कि पूरा नहीं किया केव्स दिखाने का तो एक आउटिंग के लिए काफ़ी सारा एक्सपेंस करता है खुद ही बहुत सारा खर्चा करता है फील्डिंग एंड गॉड बोले आर सपोज टू अ कंपनी दिन बट दे मिस द ट्रेन फील्डिंग और गॉड बोले दोनों को वहाँ एक्सपेडिशन पे जाना था मारावार केव्स पे लेकिन दोनों के दोनों की ट्रेन मिस हो जाती है मारावार केव्स अजीज़ एंड द वुमेन एक्सप्लोर द केव्स अब एडेला वहाँ पर है अजीज़ भी मारावार केव में है अब दोनों के दोनों एक्सप्लोर करते हैं केव्स में इन द फर्स्ट केव मिसेस मूर इज़ ओवरकम विद क्लॉस्ट्रोफोबिया जो मिसेस मूर है उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करना शुरू कर देती है क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है किसी छोटे प्लेस में अगर हम रह नहीं पाते हैं जैसे अगर किसी केब में चले गए तो वहाँ पर रह नहीं पाता इंसान तो उस इंसान को क्लोस्ट्रोफोबिक कहा जाता है तो जो मिसेस समूर है वो क्लोस्ट्रोफोबिक फील करती है बट वर्स देन द इज द इको डिस्टर्ब बाय द साउंड ऑफ मिसिज मोर्स डिक्लाइन टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग एडेला एंड अजीज अकम्पनाइड बाई अ गाइड क्लाइम टू द अपर केव्स अब यहाँ पे क्या है जो मिसेज मूर है वो तो क्लस्ट्रोफेफोविक फील करती है वो पीछे रह जाती है एंड एडेला एंड अजीज दोनों के दोनों आगे चल देते हैं एक गाइड के साथ में अडेलाज एल्यूजन एज अजीज हेल्प्स अडेलाडेला ऑफ दे आस्क वैदर ही हैज मोर देन वन वाइफ डिसकंसर्टेड बाई द्लैंडनेस ऑफ द रिमार्क ही डक्स इन टू अव टू कम्पोज हिमसेल्फ अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डॉक्टर अजीज़ है आ, उसको अडेला एक क्वेश्चन पूछती है और क्योंकि अज़ीज़ जो है वो काफ़ी बार हेल्प करता है आ, अडेला को और जो अडेला है वो उसे एक रिमार्क करती है उस पर कि उसे पूछती है कि क्या उसकी एक से ज़्यादा जो है वाइफ है और ख़ुद जो है जब इस तरह का जो रिमार्क उसे मिलता है तो उसे परेशान हो जाता है और वो अपने को एक केव में चला जाता है वैन ही कम्स आउट ही फाइंड्स द गाइड अलोन आउटसाइड द केव अब जैसे ही क्या होता है कि जब वो बाहर आता है उस केव से क्योंकि उसे उस क्वेश्चन जो है वो परेशान करता है और वो जब बाहर आता है वहाँ से उस केव से तो वो देखता है कि गाइड जो है वो अकेला है द गाइड सेज अडेला हैज़ गॉन इन टू अ केव बाई हर सेल्फ और जो गाइड है वो कहता है डॉक्टर अजीब अजीज़ को कहता है कि अडेला ख़ुद इस केव में चली गई है अजीज़ लुक्स फ़ॉर हर इन वेन डिसाइडिंग शी इज़ लॉस्ट ही स्ट्राइक्स द गाइड हु रन्स अवे अब वो सोचता है कि अजीज सोचता है कि गाइड की वजह से वो खो गई है और इसलिए वो गाइड को हिट करता है और वहाँ से चला जाता है नाव ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर वहाँ उसे ढूंढना शुरू करता है अजीज़ लुक्स अराउंड एंड डिस्कवर्स अडेला ग्लास, ग्लासेस लाइंग जब अजीज आगे चलता है तो उसे अडेला के जो ग्लासेस हैं वहाँ पर मिलते हैं ग्राउंड पे गिरे हुए ही पुट्स देम इन हिज पॉकेट वो अपने जेब में ग्लासेस को रखता है अजीज़ देन लुक्स डाउन द हिल्स टू तो सी अडेला स्पीकिंग टू तो अनदर यंग इंग्लिश मैन इंग्लिश वूमे uh, मिस डैरिक हु हैज़ अराइव्ड डूज फील्डिंग इन अ कार जब अजीज नीचे को देखता है तो उसे अडेला एक आ, किसी के साथ बात करते हुए दिखती है तो उसे पता चलता है कि मिस डायरेक्ट है और वो फील्डिंग के साथ कार में वहाँ पर आ गई है अजीज़ रन्स डाउन द हिल्स एंड ग्रीट्स फील्डिंग बट मिस डायरेक्ट एंड अडेला ड्राइव ऑफ विदाउट एक्सप्लेनेशन और जो अजीज है जब वो नीचे आता है वो फील्डिंग को ग्रीट करता है लेकिन जो मिस डायरेक्ट और अडेला है वहाँ से बिना एक्सप्लेनेशन के चले जाते हैं फील्डिंग मिस मोर एंड अजीज़ रिटर्न टू चंद्रपुर ऑन ट्रेन और फील्डिंग मिसमोर और अजीज़ वापस आ जाते हैं चंद्रपुर ट्रेन से अडेला हैज़ इंजर्ड हर सेल्फ वाइल्ड डिसेंडिंग फ्रॉम द केव और अडेला जो है वो उसको कुछ चोट लग जाती है नीचे केव से आने के लिए अजीज़ अरेस्ट एट द ट्रेन स्टेशन अजीज इज़ अरेस्टेड एंड चार्ज विद सेक्सुअली असोल्टेड असोल्टिंग अडेला इन केव अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अजीज वापस आता है ट्रेन स्टेशन पे अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है सेक्सुअल असोल्ट के लिए

हिम ऑफ बाई स्विंगिंग हा फील्ड क्लासेज एट हिम दे ओनली एविडेंस दे ब्रिटिश के हैव द फील्ड क्लासेज इन दोजीशन ऑफ अजीज़ अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अडेला है वो कहती है कि अजीज़ ने उसे शी वॉन्टेड टू ग्रैप हा उसे पकड़ने की कोशिश की और उसने अपने जो फील्ड क्लासेज थे उस पर फेंके थे और जो एविडेंस मिलता है ब्रिटिश को वो ये था कि वो जो फील्ड क्लासेज थे वो अजीज के पास थे और क्योंकि अजीज़ को वहाँ पे कैब में मिले थे तो उसने अपने पॉकेट में रख लिए थे और फाइनली अजीज़ को गिल्टी आ, मान लिया जाता है दे आर इस्टन वैन फील्डिंग प्रोक्लेम हिज बिलीव इन अजीज़ इन इनोसेंस फील्डिंग इज ऑस्ट्रोसाइज एंड कंडेम्ड एज ब्लड ट्रेटर बट द इंडियंस हु कंसिडर दसोल्ट एलिगेशन ऑफ फ्रॉड वेलकम है अब यहाँ पे यह होता है कि फील्डिंग जो है वो अजीज को अजीज को इनोसेंट मानता है फील्डिंग ये बात कहता है और फील्डिंग uh, को क्या किया जाता है ब्लड ट्रेटर मान लिया जाता है बट द इंडियन हु कंसिडर दसॉल्ट एलिगेशन फ्रॉड और इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं उसको फील्डिंग uh, को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि वो अजीज़ को मानते हैं कि वो इनोसेंट है नाउ द कैरेक्टर मोरस मिस्ट्री इज देयर ड्यूरिंग द वीक्स बिफोर द ट्रायल मिसिज मोर इज़ अफेद अपैथटिक एंड इरीटेबल ऑल शी प्रोफेस बिलीव इन अजीज़ इनोसेंस शी डज़ नथिंग टू हेल्प हेम यहाँ पर क्या होता है कि जो मिसिज uh, मूर है वो अपैथेटिक हो जाती है इरीटेबल हो जाती है और uh, वो जबकि जानती है उसका मतलब विश्वास है शी हैज़ बिली डैट अजीज अजीज इज इनोसेंट वो ये ये विश्वास करती है कि जो अजीज है वो इनोसेंट है बट वो कुछ हेल्प नहीं करती है उसे रॉनी अलाम्ड बाई हिज मदर्स असोसन दैट अजीज इज इनोसेंट अरेंजेस फॉर हर रिटर्न बाई शिप टू इंग्लैंड बिफोर शी कैन टेस्टिफाई द्रायल अब यहाँ पे जो रॉनी है उसकी मदर ये असर्ट करती है कि जो अजीज है वो इनोसेंट है तो उसे वापस इंग्लैंड भेजना चाहता है मिसिस मोर बिकम्स मोर कंसर्न विद हर ओन एंड ऑफ लाइफ शी फील्स हर हेल्थ फेलिंग अब यहाँ पर जो मिस मिसिज़ मोर है उसकी एक रीज़न ये भी है कि वो ख़ुद की उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है हर रिलेशनशिप विध सन अलाउज़ हर टू बी डिस्ट्रेक्टेड एंड लेस सिंपथेटिक टू अजिय सिचुएशन और जो रिलेशनशिप है उसके अपने सन की सन के साथ उसकी वजह से क्योंकि वो उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा सिम्पथटिक नहीं है इंडियंस के साथ में मिसिज़ मोर डाइज ज्यूरिंग दॉयज़ और मिसिज़ मोर की डेथ हो जाती है हर एब्सेंस फ्रॉम इंडिया बिकम्स अ मेजर इश्यू एट द ट्रायल वेयर अजीज लीगल डिफेंडर असर्ट्स दैट हर टेस्ट वुड हैव प्रूवन द अड इन अब यहाँ पे क्या है टेस्टमनी मोर की टेस्टमनी मिसेज़ मूर की टेस्टमनी बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन वो उसकी डेथ हो जाती है ट्रायल सीन अडेला बिकम्स कन्फ्यूज एज टू अजीज़ गेल्ट अब जो अडेला है वो भी क्या हो जाती है कन्फ्यूज हो जाती है एट द ट्रायल शी इज़ आज टू अजीज सेक्सुअली असोल्टेड है अब ट्रायल में पूछा जाता है कि क्या जीज ने उसे एक्चुअल में असोल्ट किया था शी हैज़ अ विजन ऑफ द केव एंड इट टर्न्स आउट दैट अडेला हैड वायल इन द केव रिसिव अ शॉक सिमिलर टू मिसिज मोड्स द ईको हैड कंसल्टिड her सो मच दैट शी बिकम्स unhinged. अब वहाँ पे क्या होता है कि जो केव है उसकी केव uh, की जो इको होती है उसकी वजह से वो डिसकन्सर्टेड हो जाते हैं हो जाते हैं दोनों के दोनों जो मिसेस मूर थी और जो एडेला थी एट द टाइम एडेला मिस्टेकनली इंटरप्रेटेड हर शौक एज असल्ट बाय अजीज़ और वो जो शौक उसको वहाँ पे लगता है होता है तो डर डर से या इल्यूज़न से आप कह सकते हैं कि उसे लगता है कि उसे अजीज़ ने असल्ट किया है शी एडमिट्स दैट शी वॉज मिस्टेकन एंड द केस इज़ डिसमिस्ड अब वो लास्ट में क्या होता है कि वो कहती है कि ये जो Uh, सारी चीज़ें थी वो बाई मिस्टेक हुई थी एंड इन दाइनटीन थर्टीन ड्राफ्ट ऑफ़ द नावल ई एम फॉस्टर हैड अजीज गिल्टी ऑफ द दसलॉल्ट एंड फाउंड गिल्टी इन द कोर्ट अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट uh, फैक्ट है जो कि यूजली uh, पूछा जाता है कि जो नाइनटीन थर्टीन का ड्राफ्ट था उसमें ई एम फॉस्टर ने क्या किया था कि अजीज़ को गिल्टी माना था असल्ट के लिए एंड ही चेंज्ड दिस इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ड्राफ्ट क्रिएट मोर एम्बिगस एंडिंग और उसने बाद में क्या कर दिया था अजीज़ को गिल्टी नहीं माना था नाइनटीन ट्वेंटी फोर के लिए आफ्टर मैच इसके बाद रोनी हेस्लॉफ ब्रेक्स ऑफ इस एंगेजमेंट टू तो अडेला एंड शी स्टेज़ एट फील्डिंग्स हाउस अंटिल हर पेसेज ऑन अ बोट टू इंग्लैंड इज़ अरेंज अब जो रोनी हेजलॉफ है वो एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर लेता है अडेला से और बाद में वो वापस चली जाती है

अजीज जो है वो काफ़ी गुस्सा होता है फील्डिंग से फील्डिंग उसका फ्रेंड होता है और वो गुस्सा है और क्योंकि जो अडेला है उसने अजीज की जो लाइफ थी उसे बर्बाद कर चुकी होती बिलीविंग इट टू बी द जेंटल मैनली थिंग टू डू फील्डिंग कन्विंस अजीज नॉट टू सीक मोनिटरी रिड्रेस फ्रॉम हर द मैन फ्रेंडशिप सफर्स एंड फील्डिंग डिपार्ट्स टू इंग्लैंड और जो दोनों के बीच में जो फ्रेंड हो फ्रेंडशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है अजीज और फील्डिंग के बीच की अजीज़ बिलीव्स दैट ही इज़ लिविंग टू तो मैरी अडेला फॉर हर मनी और अजीज़ को ऐसा लगता है कि फील्डिंग जो वहाँ जा रहा है वो अडेला से शादी करने के लिए जा रहा है और वो शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसा है बिटा एट हिज फ्रेंड्स परसीव टू बिट्रियल ही वॉज नेवर अगेन टू बी फ्रेंड अ वाइट पर्सन अब वो यहाँ पर ये सोचता है कि जो एक वाइट पर्सन होता है वो हमेशा इसी तरह से बिहेव करते हैं तो वो सोचता है कि मैं कभी किसी वाइट पर्सन को ब्रिटिशर्स को क्या नहीं करूँगा फ्रेंड नहीं बनाऊँगा अजीज़ मूव्स टू द हिंदू रूल स्टेट ऑफ माओ एंड बिगिनस आवर न्यू लाइफ अजीज जो है वो माऊ में आ जाता है और वहाँ पे अपनी एक नई लाइफ शुरू करता है एट माओ टू ईयर्स लेटर फील्डिंग रिटर्न टू इंडिया हिज़ वाइफ स्टेला मिसिज मोर्स डॉटर फ्रॉम सेकेंड मैरिज अजीज नाओ द राजा चीफ फिजिशियन कम्स टू रिस्पेक्ट एंड लव फील्डिंग अगेन यहाँ पे क्या होता है कि दो साल बाद फील्डिंग वापस आता है जो अजीज का फ्रेंड था और अपनी वाइफ स्टेला और मिसेज मूर की ही डॉटर थी ये स्टेला और अजीज वहाँ पर आता है अब लेकिन अजीज ने अब अप अपना जो प्रोफेशन है वो राजा के यहाँ पे जा चुका है वो राजा का चीफ फिजिशियन बन चुका है हव ही डज नॉट गिव ड्रीम ऑफ अ फ्री एंड यूनाइटेड स्टेट अब यहाँ पे जो अजीज है उसका सपना है कि जो इंडिया है वो एक फ्री स्टेट बन जाए इन दी नावल्स लास्ट सेंटेंस ही एक्सप्लेन्स दैट ही एंड फील्डिंग कैन नॉट बी फ्रेंड्स एंडिल इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट जो सेंटेंस है उसमें ये कहा जाता है कि जो फील्डिंग है और अजीज़ हैं वो तब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता लेट्स गो थ्रू सम्यूज़ why does Aziz behave rudely to Mrs Moore when they first meet at mosque so you can uh, see the answer uh, he thinks that she has not taken off her shoes so yes surely uh, first is she and mrs Leslie uh, inadvertently take his Tonga no aisa hua tha. he thinks that she has not taken off her shoes Abhi, Uh, उसे वहाँ पर इसलिए मीन्स ही गेट्स एंग्री बिकॉज ही थिंक ही थिंक्स दैट ही शी विल प्रोफ इन द सेक्रेट प्लेस वो जो सेक्रेट प्लेस है उसको बर्बाद कर देगी अपवित्र कर देगी सो वट वॉज द रीजन क्योंकि उसने शूज नहीं निकाले थे शी इंट्रप्स हिज प्रेयर अब ये तो क्योंकि वहीं पर अजीज़ अभी पहुंचा है सो प्रेयर की बात नहीं थी ही ही ऑटोमेटिकली डिसक्स ऑल इंडियन इंग्लिश वूमेन लेकिन ये बात भी सही नहीं थी सो बी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आर नेम्स ऑफ मिसेस मोरस चिल्ड्रन एक्सेप्ट यहाँ पे जो है अडेला इज नॉट मिसेस मोर्स चिल्ड्रन नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच ऑफ़ दीज कैरेक्टर्स बेस्ट रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन माइंड सेट यहाँ पर जो इंडिया इंडियन एंग्लो एंग्लो इंडियन माइंडसेट है वो सबसे बेस्ट कौन रिप्रेजेंट करता है सो रॉनी हिस्ल ऑफ इस देर एंड वट इज़ वन थिंग दैट एडेला वांट्स मोर टू अकम्पनिश फ्रॉम हर जर्नी सो आंसर इज शी वॉन्ट्स टू सी द रियल इंडिया वो क्या करना चाह रही थी इंडिया को रियल uh, इंडिया को एक्सपीरियंस करना चाह रही थी विच कैरेक्टर क्लेम्स दैट इट वुड भी बेटर टू लेट ऑल इंडियन It is by calendar B. According to Foster, which character best represents harmony between East and West? In me, Jo, East and West, Ka tha To Konsata. So simply it's God Bole, Narayan God Bole. What is the significance of the conversation of local missionaries? So B is the answer. It shows the inherent tendency of humans to separate into distinct factions. According to Fielding, uh, what word best represent India? So D, it's muddle. So such questions are asked. So Fielding ke according to India could best uh, represent karta hai, It is muddle. And what is the significance of the colour stood in the novel? So A the it shows the ease with which the English can misinterpret the actions of the Indians. Which of the following does Ronnie Heslov not cite an example of how Indians disappointed uh, Adela and Mrs. Moore? The insulting comments Aziz made about Major Callender. Which best describes Fielding's view on English control of India? So, A is the answer. Engl England holds India for her own good, but the treatment of Indians is aberrant. Which of the following is not significant about the photograph of Aziz's wife? Uh, Fielding's response to the photograph shows that he actually does not respect Aziz. Which of the following best describes Fielding's opinion of Adela Quested? So here is the answer. She is a prig and British Brit foolish, but she also shows herself to be noble and courageous. What is the significance of Foster's description of the Malabar caves as place where a visitor is not sure whether he has had an interesting experience or even an experience at all? This relates to the equal difficulty in interpreting the events concerning Aziz and Adela at the cave. Why does Aziz feel that the trip to Malabar caves is important? D is the answer. It will give him a chance to prove that Indians can be responsible so with this we end this lesson but uh, let me tell you that what is the reason behind these summaries and other uh, MCQs you will feel that some MCQs are not covered with uh, this summary but uh, the fact is we cannot go through the every text for our preparation of LT, TCT. whether we are going for UGCnet it is nahi topics unko detail mein padhe. हर वर्क को अलग अलग पढ़ें इट्स गुड टू गो थ्रू सम वर्क्स कुछ वर्क्स फोर्टी टू फिफ्टी और इवन हंड्रेड वर्क्स का जो डिटेल है उसे आप पढ़ सकते हैं बट सबका नहीं पढ़ा जा सकता इसलिए ये समरीज हमें हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और जो एम सी क्यूज हैं उनमें अगर टू थ्री एम सी क्यूज़ या फ़ोर एम सी क्यूज रिलेट नहीं हो पाती है तो आप लोग उन्हें उसी तरीके से लर्न कर सकते हैं समझ सकते हैं कि जो स्टोरी है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई होंगी आप ऐड कर सकते हैं उन्हें तो होपफुली दिस समरीज विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स विद दिस गुड लक फॉर एग्जाम्स बाय बाय टेक केयर